उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में लगातार 4 दिन से चल रही गणेश महोत्सव के कार्यक्रम का आज समापन हो गया। वहीं आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पर बुधवार की सुबह से ही शहर के देहात तथा मंदिरों और घरों में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई, जहां पर गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों और बैंडबाजों के बीच में पूरा शहर गजानन जी के जयकारों से गूंजता रहा। तो वहीं पर जगह जगह गजानन की मूर्तियां स्थापित की गई, जिसको लेकर कार्यक्रम के अध्यक्ष का कहना है कि हम कई वर्षों से शंकर चाचा जी की स्मृति में बड़े ही धूमधाम के साथ में गणेश महोत्सव मनाते हैं। साथ ही इसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शक्ति फार्म आते हैं। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी मंदिर और घाट घरों के अलावा गली मोहल्लों में गणेश महोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ में गणेश भगवान का विसर्जन भी किया जाता है। 16 साल पहले विगत 15 सम्मान के लिए मैं मंच पर करवाना चाहूंगा। नहीं बोले इनका बहुत योगदान होता है, जब तक इस फील्ड से एक एक गरीब वो उठाकर अपने स्थान पर नहीं पहुंचाते तब तक ये अपने घर के लिए नहीं जाते हैं। इन सभी के मेहनत का फल है जो आज हम इस कार्यक्रम को सफल रास्ते पर ले आए, और आज देखते ही देखते 16 वर्ष पूरे किया इस कार्यक्रम को। पूरा क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और ये शंकर चतुर्थी जी की स्मृति पर आज 16वां कार्यक्रम दिन जी कितने दिन का कार्यक्रम है और कब से मनाते आ रहे हैं? देखिए ये 31 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, पत्रकार महोदय लोग पहुंचे हैं, छोटा सा इंटरव्यू सेशन हो रहा है कार्यक्रम में, थोड़ा सा विलम्ब गणपति बापा का विसर्जन भी होगा सुखी नदी में, इसके बाद एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आप